मिडिल ईस्ट में जारी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। इसराइल और हमास के बीच जंग को आज 35वां दिन हो गया है और ये महीने में एक महीने से ज़्यादा का वक्त इसमें बीत चुका है और इस युद्ध की वजह से हज़ारों जानें जा चुकी हैं। गाज़ा पट्टी पर इसराइल की बमबारी थमने का नाम नहीं ले रही और शुक्रवार को गाज़ा पट्टी के उत्तरी हिस्से में कई जगह धमाके रिकॉर्ड किए गए हैं। धमाकों की गूंज कई सारे अस्पतालों के बाहर भी सुनी गई है। वहीं हज़ारों की संख्या में गाज़ा के लोगों ने दक्षिण की ओर बढ़ना जारी रखा। इसराइल ने कहा कि वो हर रोज उत्तरी गाजा में अपनी जमीनी कार्रवाई पर 4 घंटे की रोक लगाएगा ताकि यहां फंसे हुए लोगों के बाहर जाने का मौका मिल सके। इस युद्ध की वजह से दुनिया भर में इसराइल के खिलाफ प्रदर्शन होने शुरू हो गए हैं। युद्ध रोकने के लिए उस पर लगातार दबाव भी बनाया जा रहा है। ऐसे में आपको बताते हैं कि अलग अलग फ्रंट से जो युद्ध से जुड़े अपडेट आ रहे हैं वो क्या है। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर को हमले में मारे गए लोगों की संख्या में अब बदलाव आ गया है। पहले कहा जा रहा था कि इसराइल में 1400 लोगों की मौत हुई है, लेकिन अब इसे बदलकर 1200 कर दिया गया है, यानी 200 का आंकड़ा कम किया गया है। गाजा में हो रही बमबारी में अब तक 11,000 से ज़्यादा बल्कि 12,000 के करीब आंकड़ा जा रहा है कि इतने लोगों की मौत हुई है और 4,500 से ज़्यादा तो इसमें बच्चे शामिल हैं। गाजा के अल शिफा, अल कुद्स, अल रांतिसी और इंडोनेशियन अस्पतालों जैसी प्रमुख हेल्थ फैसिलिटी के बाहर इजरायली टैंकों को देखा गया। अस्पतालों के पास और उनके भीतर धमाकों की आवाज़ भी सुनी गई। इसराइल का कहना है कि अस्पताल के नीचे हमास की सुरंगें हैं, लेकिन हमास ने इससे इनकार किया है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने गाजा में हो रही इजरायली बमबारी की वजह से मारे गए फिलिस्तीनियों पर इसराइल को घेरा है। अब अमेरिका ने कहा है कि अब तक बहुत ज़्यादा फलस्तीनियों की मौत हो गई है और ये पहला मौका है जब इसराइल को अमेरिका की तरफ से इस तरह से सवालों के घेरे में रखा गया है। संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी ने बताया कि गाजा में 45% घर तबाह हो चुके, 2 लाख लोग ऐसे हैं जिनके पास अब रहने के लिए छत नहीं है। सबसे ज़्यादा नुकसान उत्तरी गाजा को पहुंचा है, जहां गाजा पट्टी के सबसे बड़े शहर मौजूद थे और इसराइल की तरफ से लगातार गाजा पर बम गिराए जा रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने बीबीसी को अपने एक इंटरव्यू में कहा कि इसराइल से कहा उन्होंने कि गाजा में महिलाओं और बच्चों को हो रही हत्या पर आप रोक लगाएं। उन्होंने सीज फायर की भी बात दोहराई। इस पर इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि दुनिया के देशों को इसराइल के बजाय हमास की निंदा करनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में गाजा के हालातों पर चर्चा हुई और इस बैठक की शुरुआत युद्ध में मारे गए फिलिस्तीनियों, इसराइलियों और विदेशी नागरिकों को लेकर 1 मिनट की शांति के साथ हुई। इस दौरान फिलिस्तीन और इसराइल के राजनयिकों के बीच काफ़ी तीखी बहस भी देखने को मिली। यूरोपियन यूनियन ने कहा कि वो गाजा के लिए राहत सामग्री लेकर 6 विमानों को भेज रहा है। इटली से 2 विमान 55 टन राहत सामग्री लेकर उड़ेंगे, जबकि 3 विमान रोमानिया से उड़ान भरने वाले हैं, जिसमें टेंट्स और गद्दे होंगे, और 6ठी फ्लाइट बेल्जियम से उड़ान भरने वाली है। अब दूसरे फ्रंट की बात करें तो इसराइल और हिजबुल्ला के बीच लेबनान की सीमा पर टकराव की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। लेबनान के 2 सीमा से सटे कस्बों पर इजरायली गोले आकर गिरे हैं। इसराइल लगातार लेबनान की ओर ड्रोन भी उड़ा रहा है और हिजबुल्ला की तरफ से भी रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने गाजा में युद्ध को ख़त्म करने की मांग की है। उन्होंने फलस्तीनियों के हो रहे विस्थापन को भी रोकने की बात कही। रियाद में एक समिट के दौरान उन्होंने कहा कि हम इस युद्ध को रोकने और फिलिस्तीनियों के विस्थापन के रोक की मांग करते हैं। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक वेस्ट बैंक में इजरायली सेना रेड कर रही है। सड़कों पर इजरायली सेना अब नज़र आ रही है। यरूशलम के उत्तर पश्चिम में स्थित विद्युत कस्बे में इजरायली सैनिक कार्रवाई कर रहे हैं। निलिल कस्बे में भी छापेमारी हुई है और युद्ध के शुरू होने के बाद से ही लगातार वेस्ट बैंक में हमास समर्थकों को पकड़ा जा रहा है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें।